हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़े दिनों के बाद इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS की भर्ती के बारे में। अति व्यस्तता के कारण आपको अपडेट नहीं मिल पा रही थी इस चैनल के द्वारा, लेकिन अब जो है व्यस्तता थोड़ी कम हुई है तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है EMRS के द्वारा, और ये जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, जो कि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। डेट आप लोग देख सकते हैं, 2 जून को इसको जारी किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों की भर्ती से संबंधित नियमों को जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। अभी वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बहुत ही जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे पोस्ट हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर इत्यादि, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, बहुत सारे आप देख सकते हैं, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, बहुत सारे अलग अलग पद हैं, ड्राइवर हैं, कुक है, स्वीपर है, बहुत सारे पद हैं, ठीक है, कई हज़ार पदों पर ये जो है भर्तियां होने वाली है। और इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग पदों के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ दे दिया गया है, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग के द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि लगभग 30,000 पदों पर भर्तियां होंगी EMRS, यानी जिसको आप एकलव्य स्कूल कहते हैं, ठीक है, एकलव्य विद्यालयों के लिए ये जो है रेगुलर भर्ती होगी। 740 विद्यालयों के लिए ये भर्ती होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पोस्ट है वह है प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए दिया गया है, 740, यानी कि हर स्कूल में एक प्रिंसिपल, यानी 740 स्कूलों के लिए 740 प्रिंसिपल। इसके आगे बात करें तो वाइस प्रिंसिपल की भर्ती है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल दिया गया है, सारे रूल को इसमें नहीं बताया गया है और इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें दे दिया गया है, लेकिन भर्ती किस प्रकार से होगी, कौन जो है एग्ज़ाम पूरे सेंट्रल लेवल पे होगा, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है जब नोटिफिकेशन आएगी तब बताया जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में PGT टीचर के लिए, तो यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक विद्यालय में 11 PGT टीचर होंगे, और इस प्रकार से अलग अलग विषयों के लिए इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर तरह के पद इसमें सभी विषयों के लिए होंगे। ये जो है ग्रुप बी का ये जो है क्लासिफिकेशन है, लेवल 8 का पे लेवल रहेगा, और 40 साल तक के एज वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे, इस तरह की बातें यहाँ दी गई है। और सारे रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग विषयों के लिए दे दिया गया है कि इंग्लिश टीचर के लिए इंग्लिश से मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी से होना चाहिए, इसी तरह सभी विषयों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आगे डिटेल से अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसको एक समरी के तौर पर देख रहे हैं। जो मैं आपको बताने वाला था वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT के लिए, ठीक है, यहाँ पर TGT पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, TGT पोस्ट के लिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, या ये जो है कंप्यूटर साइंस के लिए भी होगा, ठीक है, PGT टीचर कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसको आप शिक्षक कह सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वालिफिकेशन में आपको जिस विषय के लिए आपको अप्लाई करना है उस विषय, वो विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किया गया है, जो कि है आपका टेट से रिलेटेड। जो पिछली EMRS की वैकेंसी आई हुई थी, EMRS की जो रद्द कर दी गई थी, उसमें CTET या स्टेट के टेट को मान्यता दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेट के बारे में दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है सिर्फ CTET के बारे में। पास्ड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्ट बाई CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाई द NCTE। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट के टेट के बारे में नहीं दिया गया है, यानी कि अगर आप CGTET हैं तो आप TGT अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो टेट पास नहीं है लेकिन मास्टर डिग्री है उनका, BEd है, क्वालिफाई है, BEd पास हैं, तो वो जो है PGT के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि TGT टीचर के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पर,
तो TGT टीचर के लिए यहाँ पर 8,880 पोस्ट हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में ये पोस्ट निकलने वाली है। तो आप तैयारी करते रहें। इसी तरह की PGT के लिए भी आप देखेंगे तो PGT के लिए भी हज़ारों की संख्या में पोस्ट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,140 पोस्ट PGT के लिए हैं। इसी तरह से हर एक पद के लिए यहाँ पर हज़ारों पोस्ट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर तरह के पद हैं यहाँ पर। म्यूजिक टीचर भी है, और प्यून, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सब तरह के पोस्ट इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 25 से 30 हज़ार ये वैकेंसीज हैं, और बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके बारे में आगे भी आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप इस जो है अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।